Delhi Dynamos vs Bengaluru FC, Udanta Singh ne kiya kamal, Delhi ko harakar top par pahuncha Bengaluru. सातवें मैच में मिली छठी जीत के साथ बेंगलुरु के कुल 19 अंक हो गए हैं। दिल्ली की टीम इस मैच में शानदार खेल दिखाने के बावजूद सीजन की पांचवीं हार को मजबूर हुई। बेंगलुरु एफसी ने 87वें मिनट में उदांता सिंह द्वारा किए गए गोल की मदद से सोमवार को यहां श्री कांतिरावा स्टेडियम में इंडियन सुपर लीग आईएसएल के पांचवें सीजन के एक अहम मुकाबले में दिल्ली डायनामोज को 1-0 सेकंड पराजित किया। दिल्ली को हराकर मेजबान टीम ने न सिर्फ अपना अजेय क्रम बरकरार रखा बल्कि अंक तालिका में टॉप पर भी पहुंच गई। सातवें मैच में मिली छठी जीत के साथ बेंगलुरु के कुल 19 अंक हो गए हैं। दिल्ली की टीम इस मैच में शानदार खेल दिखाने के बावजूद सीजन की पांचवीं हार को मजबूर हुई। यह दिल्ली का 9वां मैच था। उसके खाते में 5 हार के अलावा 4 ड्रॉ हैं। वह तालिका में सबसे नीचे है। टॉप पर पहुंचने की चाह लिए मैदान पर उतरी बेंगलुरु की टीम ने 9वें और 10वें मिनट में 2 अच्छे मौके बनाए लेकिन कप्तान सुनील छेत्री गोल नहीं कर सके। दिल्ली ने 13वें मिनट में जवाबी हमला किया लेकिन ज्ञानी जुएवलून द्वारा बनाए गए इस मूव पर लालियान ज्वाला चांदते सूझबूझ भरी प्रतिक्रिया नहीं दिखा सके। दिल्ली के आद्रिया कोमोना को 26वें मिनट में पीला कार्ड मिला। दिल्ली ने 36वें मिनट में भी एक जोरदार हमला किया लेकिन लेफ्ट फ्लैंक से चांगते के क्रॉस पर नंदकुमार फायदा नहीं उठा सके। नंदकुमार ने 40वें मिनट में भी एक अच्छा मौका गंवाया। मार्को स्टेबार के पास पर लाइट फ्लैंक से वह गेंद लेकर बॉक्स में घुसे और संधु की तरफ सीधा शॉट लगाया। हालांकि वह अपने दो साथियों को पास दे सकते थे जो गोल के सामने पास के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दूसरे हाफ का पहला हमला बेंगलुरु के नाम रहा। उदांता के पास पर छेत्री गोल नहीं कर सके। कप्तान ने पोस्ट को साधकर शॉट लिया लेकिन वह बाहर चला गया। दिल्ली ने 53वें मिनट में एक अच्छा मूव बनाया लेकिन कामोना गोल नहीं कर सके। उनका शॉट टारगेट पर था लेकिन उसमें तेजी नहीं थी। दिल्ली को 73वें मिनट में एक अच्छा मौका मिला। मेहलिक द्वारा लिए गए काना पर कालुजेरोविक सटीक हेडर नहीं ले सके जबकि उनके सामने पोस्ट खाली था। 83वें मिनट में बेंगलुरु को काफी करीब से फ्री किक मिली जिसको की किक को अल्बिनो ने दूर कर खतरा डाल दिया। इसके बाद बेंगलुरु ने एक और जोरदार हमला बोला। पोस्ट के पास जाकर कई मौकों पर नाकाम रहने वाली मेजबान टीम के लिए आखिरकार उदांता सिंह ने 87वें मिनट में पहला गोल दाग दिया। उदांता ने कप्तान छेत्री द्वारा बनाए गए मूव को दिल्ली के डिफेंडरों द्वारा नाकाम किए जाने के बाद रिबाउंड पर यह शानदार गोल कर 150वां मैच खेल रहे अपने कप्तान को बेहतरीन तोहफा दिया।